आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आईएमए आगरा ब्रांच की नई टीम अप्रैल के दूसरे हफ्ते में शपथ ले सकती है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए आईएमए ने तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही आईएमए के सभी पदाधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे। आईएमए आगरा ब्रांच की नई टीम अप्रैल के दूसरे हफ्ता में शपथ ले सकती है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए आईएमए ने तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही आईएमए के सभी पदाधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे। मैं आईएमए उपाध्यक्ष होने के नाते कह सकता हूँ कि इस तरह की ही जोशीली टीम की आज जरूरत है आईएमए को। कुछ समस्या जैसे ज्वलंत हो रही हैं आज आईएमए के सदस्यों के लिए। सबसे बड़ी समस्या अस्पताल में मारपीट उद्यम इस तरह का एक फैशन से बनना है जिसे हमें जड़ से समाप्त करना है, तो उसमें ऐसी जोशीली युवा कारकांड की जरूरत है। दूसरा, हमें मरीज के रिश्तेदारों से संबंध भी बहुत अच्छे रखने हैं, तो एक काउंसलिंग टाइप का हमारा काम भी इसमें होना है। और तीसरा, सबसे बड़ा जो काम होने जा रहा है हमारा, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ कितनी रजिस्ट्रेशन उनको बड़ा सुगम करना है। चौथा, महिला विंग की बड़ा डिमांड आ रही है कि महिलाओं की भागीदारी हमारे साथ, महिला डॉक्टरों की भागीदारी हमारे साथ हो। और सपना तो एक अच्छा भव्य आईएमए का भवन बने जिसमें हम शान से अपना प्रोग्राम कर सकें। आएंगे आईएमए की नई कार्यकारिणी का सत्र 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। इसके लिए नई कार्यकारिणी समिति का शपथ ग्रहण समारोह अप्रैल के दूसरे हफ्ते में हो सकता है, जिसके लिए डॉक्टर राजीव उपाध्याय बतौर अध्यक्ष पद और नई कार्यकारिणी कार्यभार संभाल लेंगी। पर रणनीति यही रहेगी कि हमारे जो इस वक्त समस्याएं उठ रही हैं और जो अपने नए विचार आ रहे हैं उनको ही हम पूरा करने का लक्ष्य रखेंगे, और यही आईएमए के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये तो मेरी नहीं, सारे इसके आईएमए के पुराने जितने भी दिग्गज हैं उनकी सबकी सोच है कि इसमें जो पराजित हुए उनकी भी एक भावना थी कि आईएमए के लिए वो अपनी सर्विस देंगी, तो उस भावना को हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे और उन लोगों को भी अपने साथ सम्मिलित करके आईएमए के सदस्यों को जो भी काम होंगे उसमें उनको भी आगे लाएंगे अपने कारणकारी के साथ साथ। डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने बताया कि नई टीम के साथ चिकित्सकों की बेहतरी और इलाज का सस्ते और शुभम इलाज के लिए कार्य करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तिथि अभी तय नहीं है। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।